हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त पुलिस कल्याणकारी संघ जिला हमीरपुर की मासिक बैठक पुलिस लाइन हमीरपुर में चेयरमैन जगदीश चंद शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रधान ब्रह्मदास और उपप्रधान बलबीर के अलावा कई अन्य सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें सह सचिव रफोदास, सलाहकार ज्ञान चंद, प्रीतम सिंह तथा कोषाध्यक्ष लवकेश होशियार सिंह आदि मौजूद रहे। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आ रही समस्याओं पर चर्चा भी की गई। हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त पुलिस कल्याणकारी संघ जिला हमीरपुर की मासिक बैठक पुलिस लाइन हमीरपुर में चेयरमैन जगदीश चंद शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रधान ब्रह्मदास और उप प्रधान बलवीर के अलावा अन्य कई सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें सह सचिव रफोदास, सलाहकार ज्ञान चंद, प्रीतम सिंह तथा कोषाध्यक्ष लवकेश होशियार सिंह आदि मौजूद रहे। बैठक में सेवानिवृत्तों द्वारा कई मुद्दे उठाए गए, जिनमें प्रमुख मुद्दे कई अरसों से मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदस्यों द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाए जाने पर नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया गया, और जिन कर्मचारियों को पे ग्रेड नहीं मिल रहा है वे कांगड़ा जिला के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संपर्क करें ताकि इसका समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि आम जनता से अनुरोध है कि नवीनतम वाहन अधिनियम के संशोधन को निजी हित के समक्ष रखते हुए उनका कड़ाई से पालन करें और पुलिस प्रशासन का भी पूरा पूरा सहयोग दें। की मीटिंग आज पुलिस लाइन हमीरपुर में संपन्न हुई, जिसमें लगभग 60 कर्मचारियों ने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया और उनकी समस्याओं को हमने सुना और उनको एक एजेंडा जैसा बना करके, एक प्रस्ताव बना करके हम सरकार को आगे उसके लिए भेजेंगे। और मेन समस्या जो कर्मचारियों ने मेरे ध्यान में लाई है वो उनके मेडिकल बिल्स हैं, जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो लगभग 8 लाख के करीब की राशि बताई जा रही है। और जैसा सबको पता ही है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का योगदान विभाग के लिए और समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा रहा है, और इसमें जब उनकी विशेष करके जबकि संस्था जो उनकी सेहत चरमरा रही हो, तो ऐसे समय में उन पर खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है, तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि पैसा जो है इसको जल्दी से जल्दी इसको रिलीज किया जाए, तो इसको सिर्फ रिवैम्प करने के लिए और अधिक उसको सुचारू करने के लिए, और ताकि उनको थोड़ा और संजीवनी बूटी एक तरफ से दी जाए और कर्मचारी इसमें पूरा दिलचस्पी भी लें और इसको आगे बढ़ाएं और के जो कार्यक्रम को आगे लेकर चलें। और इसके लिए हमने इसे थोड़ा बहुत फेरबदल किया है और फेरबदल किया है जो उत्थान के लिए, और जो जो अपना योगदान दे सकेंगे ठीक ढंग से देंगे। एक बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन जहाँ तक इसके जो फाइन की बात है, जो उसमें जो पेनल्टी इम्पोज की गई है, हमारी सरकार ने इस केस को कुछ कामयों की वजह से इसके द्वारा बैक रेफर कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव है और हम तो चाहते हैं कि पुलिस इसको ठीक ढंग से और तत्परता के साथ, उत्कृष्टता के साथ इसको लागू करे, ताकि जो लोगों की जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं उनके ऊपर अंकुश लग सके।